अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक आर्टिकल छापा जिसका असर पूरी दुनिया में है, और उस आर्टिकल का हेडलाइन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब लोगों ने जरूर उसको देखा होगा, और कोट में है, फेसबुक्स हेट स्पीच रूल्स कलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स। यानी फेसबुक की जो घृणा से संबंधित जो कानून है वो भारतीय राजनीति के परस्पर विरोध में खड़े हैं। और मैं इसको कोट करना चाहता हूं, फेसबुक एम्प्लॉइज चार्ज विद पुलिसिंग द प्लेटफॉर्म्स वर वॉचिंग बाय मार्च ऑफ दिस ईयर दे कंक्लूडेड मिस्टर सिंह नॉट ओनली हैड वायलेटेड द कंपनीज हेट स्पीच रूल्स बट क्वालिफाइड एज डेंजरस। His rhetoric could lead to real world violence and he should permanently be banned from the company's platform worldwide. ये उन्होंने कहा। लेकिन आगे the company's top public policy executive in the country, Ankit Das, opposed applying the hate speech rules to Mr. Singh. ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि the company's top public policy executive in the country, Ankit Das, opposed applying the hate speech rules to Mr. Singh. And at least three other Hindu nationalist individuals and groups flagged internally for promoting or participating in violence. And the current, said the current and former employees. Das, whose job also includes lobbying India's government on Facebook's behalf, told staff members that punishing violations by politicians from Mr. Modi's party would damage the company's business prospects in the country. अब जो है इसके अंदर दो तीन चीजें जो सामने निकल करके आती हैं, वो बड़ी साफ है कि जिस वक्त रूलिंग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कुछ लोगों के पोस्ट के बारे में उनकी पुलिसिंग करने वाले डिपार्टमेंट जो फेसबुक के अपने इंटरनल हेट स्पीच को देख करके उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला जो उनका डिपार्टमेंट है, जब उसने पाया कि चार कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि दुर्भावना फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, जिनसे कि भारत के अंदर जिनसे टेंशन, रिलीजियस टेंशन हो सकता है और एक तरीके से जमीन के ऊपर उसका असर हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, तो इनको बैन कर दिया जाना चाहिए। और उस बैन का विरोध किसने किया? मिस्टर अंकित दास, जो कि इंडिया का फेसबुक एक्सपर्ट, फेसबुक के हेड हैं, और उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत की रूलिंग पार्टी के, जो मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इसमें हर्ट होंगे। एक चैनल है जिसका नाम है न्यूज क्लिक और प्रंजॉय गुहा इसको चलाते हैं। इन्होंने 5 सीरीज के अंदर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, वो कुछ लोग जो कि अभी भी फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर हैं, और उन्होंने कहा कि इनके मेन लिंक्स भारतीय जनता पार्टी के और फेसबुक के आपस के अंदर हैं, और अंकित दास का नाम उसके अंदर मेंशन है, एक शिवनाथ ठकराल का नाम उसके अंदर मेंशन है। जिन लोगों ने हिरेन जोशी और बीजेपी के साथ मिलकर के मेरा भरोसा कैंपेन, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका कैंपेन लॉन्च किया है, आज वो हमारे देश के अंदर फेसबुक के और साथ साथ में व्हाट्सएप के हेड बने हुए हैं। और ये केवल भारत की बात नहीं है बल्कि फेसबुक के पूरे विश्व के अंदर क्रेडिबिलिटी की बात है, क्योंकि आज भारत के अंदर फेसबुक यूजर्स की कुल संख्या 28 करोड़ है, और जो कि दुनिया के अंदर हर जितने दूसरी और कंट्रीज है उनसे कहीं ज्यादा है। हमारे बाद दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जहां पर केवल 19 करोड़ है, हम उनसे 9 करोड़ हमारे फेसबुक यूजर्स आगे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फेसबुक हेडक्वार्टर्स इसकी जांच करें। अमेरिकन न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल टोल्ड अस हाउ वी इंडियंस आर नॉट ट्रूली फ्री, हाउ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस आर कंट्रोल्ड, डिवाइडेड एंड मैनिपुलेटेड थ्रू फेक न्यूज and hate speech propagated by the ruling Bharatiya Janata Party through the American social media giant Facebook. Before I explain to you the three in specific instances of my meetings, I just want to quote two lines verbatim from the article that the Wall Street Journal carried out yesterday. Ms. Ankit Das of Facebook India has provided the BJP with favorable treatment on election-related issues. Facebook deleted
some of the BJP MLA's hate speech posts after the Wall Street Journal started inquiring about them. I am not saying this. The Congress Party is not saying this. A respected American newspaper is saying this. First, let's remember this is not just about Facebook. Facebook also owns WhatsApp. As Markanji mentioned, together Facebook and WhatsApp control information, news and communication for hundreds of millions of Indians. Over the past few years, we have consistently raised the issue of bias and the unholy nexus between Facebook India's leadership team and the Bharatiya Janata Party and its sister affiliate organization, the RSS. We had many formal meetings with Facebook. I will give you three specific instances out of the many meetings that we have had over the last few years. I personally met with the Facebook's global head of government relations and elections on 17th July 2018 in America. I discussed the issue of bias and partisanship of their India leadership team. I was told that this would be looked into, but nothing happened. The second instance. On 12th October 2018, in the run-up to the elections, me and a few of my Congress Party colleagues met with Facebook's India's head of government relations, Ms. Anki Das. In that meeting, we specifically highlighted how Facebook India is blocking the Congress Party and denying permissions to put advertisements on Facebook regarding the Rafale issue. We also raised many instances and cases of clear bias and presented very clear evidence. Ms. Das pleaded ignorance and promised to look into the matter. Nothing happened. A few weeks later, I met with the global CEO of WhatsApp, who was visiting India at that time, and I raised concerns over fake and hate speech being spread unchecked through WhatsApp. I made it very clear to him that this was not about the Congress Party or any other political party. This was about India as a nation and our society. I implored him to take serious notice of this and warned him that such rampant spread of fake and hate propaganda during the election will amount to interference in India's election. He heard me politely, but again, did nothing. The bias and alignment of Facebook India's leadership team with the BJP and RSS is not limited to just one person or their head of public policy. There are many others. There is clear and ample evidence to warrant a serious investigation by Facebook's headquarters into the operations of their India team and their efforts in actively interfering in India's electoral democracy. 28 से 30 करोड़ के बीच लोग फेसबुक पे हैं और उससे भी ज्यादा कहीं 40 करोड़ के आसपास लोग व्हाट्सएप पे हैं इस देश में. मतलब देश की जनता ने इन दोनों प्लेटफॉर्म पे और तीसरा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम जो युवा वर्ग में काफी फेमस है, इन पे देश की जनता ने भरोसा रखा. जिस प्रकार से न्यूज आ रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में और जिस प्रकार से प्रवीण जी ने और मार्कन जी ने बात की, कहीं ना कहीं फेसबुक ने देश का भरोसा तोड़ा है. हमने कई बार फेसबुक से, जैसे प्रवीण जी ने कहा, मैंने भी फेसबुक से, फेसबुक इंडिया से अप्रैल मंथ में मैंने एक उनको मेल लिखा अंकित दास जी को कि जिस प्रकार से मैं थोड़ा रीड करके बताऊंगा आपको. डियर मिस दास, वी आर डीपली वरीड अबाउट द राइज ऑफ हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, टर्मिनल पोस्ट एंड फेक न्यूज ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप. इन रिसेंट मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स and senior members of parliament have expressed grave concern on the rise of fake news on social media and attempt to polarize the Indian politics. Dosto, humne kaafi baar, uske baad unke saath hamari meeting hui, Ankit Das ji aur unki puri team, Facebook and WhatsApp India ki team thi. 15 mai ko humne meeting ki, humne unko examples diye. Unhone humko ye kaha ki kahin na kahin hamari policy mein ye nahi aa raha hai. Humne ye bhi bataya, aaj WhatsApp mein agar 40 crore log hain aur agar reporting ki agar koi mechanism nahi hai saathiyon, हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक संवेदनशील देश है, जहां कहीं पे कोई गलत चीज डाली गई
बाय द टाइम आप उसको रिपोर्ट करें ऑलरेडी उसका जो नुकसान देश को होना वो हो गया होगा। हमने काफी बार देखा है कि किस प्रकार से देश में ऐसे ऐसे काफी मामले हुए हैं जहां पे फेसबुक और व्हाट्सएप जिम्मेदार हो। मुझे लगता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप ये नफरत और झूठ फैलाने के हथियार बने, और जिस प्रकार से आज भी फेसबुक इंडिया के द्वारा मैं काफी इंस्टेंस दे सकता हूं कि जिस प्रकार से हेट न्यूज और फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, आज भी वो प्लेटफॉर्म, आज भी वो हैंडल्स, आज भी वो नेता फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, और किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो व्हाट्सएप पे 40 करोड़ लोग हो, और अगर हमारे पास ये भी मैकेनिज्म ना हो कि हम गलत न्यूज को रिपोर्ट कर पाए, मुझे पता ही है इससे खतरनाक चीज देश के लिए क्या हो सकती है। और जिस प्रकार से ये कहानी पूरी आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, मुझे लगता है कि जो माकन जी ने कहा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बात और फेसबुक ग्लोबल की यह जिम्मेदारी है कि आपकी विश्वसनीयता खतरे में, देश विश्वास सबसे बड़ा मार्केट जहां पे आप पे भरोसा किया गया, अगर उसकी जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि करेक्ट तुरंत एक्शन लिए जाए, जो लोग भी जिम्मेदार पाए जाए आपकी पॉलिसी वायोलेशन में, इंटेंशनल अनइंटेंशनल जो भी हो, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। और आने वाले दिनों में ये सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप की बात नहीं है, मैं आपके माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में है, मैं सबसे कहना चाहूंगा आपकी विश्वसनीयता खतरे में। देश की जनता से भी कहना चाहूंगा कि जो भी दिखाया जाता है प्लीज उसको वेरीफाई करके भरोसा कीजिए। ये हम आपकी सबकी भारतीयता की बात है, भारतीय की एकता की बात है। हमारा कल स्वतंत्र दिन हुआ है, हम सबको मिलकर हमारी आजादी को संभालना होगा, और भाजपा का जो प्रोपेगंडा है नफरत और झूठ का, उससे देश को बचाना होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है।